संता बंता से बात कर रहा होता है और बोलता है कि ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर तुझे समझ में आए तो मुझे भी बताइयो। तो बंता कहता है हाँ हाँ ठीक है, बता बता। तो बंता अपने कुछ किस्से सुनाना शुरू करता है। तो वो पहला किस्सा सुनाता है। संता कहता है मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था, तभी मेरी पत्नी बाजार से लौटी और मुझसे कहती है कि क्या देख रहे हो टीवी पर। तो मैं कहता हूँ टीवी पर पड़ी धूल। इतने में लड़ाई चालू। फिर संता दूसरा किस्सा सुनाता है कि मेरी पत्नी मुझसे कहती है आज ऐसी जगह ले चलो जहाँ महंगी चीज़ें बिकती हों। तो संता उसको पेट्रोल पंप लेके गया। फिर लड़ाई शुरू। संता बंता को फिर तीसरा किस्सा सुनाता है। कहता है कि हम सराफा बाजार से गुजर रहे थे तो मेरी पत्नी ने बोला कि मेरे गले के लिए कुछ दिला दो। संता तुरंत केमिस्ट के दुकान से स्ट्रेप्सिल्स का एक पत्ता ला के दे देता है और झगड़ा फिर शुरू। संता बंता को फिर चौथा अपना किस्सा सुनाता है कि संता कहता है बंता से कि मेरी पत्नी एक दिन बोली कि मुझे ऐसी जगह ले चलो घुमाने के लिए जहाँ मैं बहुत समय से नहीं गई हूँ। फिर क्या, संता उसे अपनी माँ के घर लेके गया। फिर झगड़ा शुरू। संता बंता को पांचवा किस्सा सुनाता है कि मेरी पत्नी एक दिन बोल रही थी कि ऑफिस से आते ही मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा को गले लगाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते। संता कहता है अपनी पत्नी से मैं करने को तो तैयार हूँ पर अगर मिसेस शर्मा बुरा मान गई तो। फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू। संता बंता से कहता है अब तू बता मेरी कहाँ गलती है। आखिरी में संता बंता से कहता है ये शादी नहीं आसान हरी मिर्च की टॉफी है जिसे हर शादीशुदा को चूस के खानी है।